प्लेन कार्बन स्टील, प्लेन कार्बन स्टील में मेनली जो होता है वो होता है आयरन और कार्बन, जिसमें मैक्सिमम 1.5% हमारा कार्बन कंटेंट्स हो सकते हैं। प्लेन कार्बन स्टील के अंदर मैक्सिमम 1.5% कार्बन कंटेंट्स हो सकते हैं, और स्मॉल परसेंटेज ऑफ सिलिका, सल्फर, फास्फोरस, मैग्नीज होगा। इट कैन यूज्ड सक्सेसफुली ओनली इफ एप्लीकेशन डज नॉट हैव मोर स्ट्रेंथ एंड अदर इंजीनियरिंग एप्लीकेशन। जहाँ स्ट्रेंथ का ज़्यादा नहीं चाहिए वहाँ पर हम इन्हें यूज कर सकते हैं। मेनली जो प्लेन कार्बन स्टील को क्लासिफाई किया जाता है, तीन टाइप से किया जाता है, लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील एंड हाई कार्बन स्टील। ये डिपेंड होते हैं परसेंटेज ऑफ कार्बन हम कितनी ऐड कर रहे हैं। पहले अगर बात करें लो कार्बन स्टील की, लो कार्बन स्टील में जो कार्बन कंटेंट्स होते हैं वो 0.25% होते हैं। टू हीट ट्रीटमेंट एज इम्प्रूवमेंट इन द डक्टिलिटी इज कंसर्न बट हैज नो इफेक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ इट्स स्ट्रेंथ प्रॉपर्टी। दे आर नॉट इम्प्रूव इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ हार्डनेस बाई हीट ड्यू टू लैक ऑफ कार्बन। माइक्रो स्ट्रक्चर ऑफ लो कार्बन स्टील कंटेंट्स ऑफ मोर अमाउंट ऑफ फेराइट एंड लेस अमाउंट ऑफ परलाइट। दे आर रिलेटिवली सॉफ्ट, वीक बट हैव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डक्टिलिटी एंड टफनेस। ये माइक्रो स्ट्रक्चर दिखाया गया है लो कार्बन स्टील का। लो कार्बन स्टील के एप्लीकेशंस, इट इज सूटेबल फॉर ऑटोमोबाइल्स, रेफ्रिजरेटर बॉडीज, केन्स, स्टील्स, स्ट्रक्चरल शेप एटसेट्रा। Their application also include nails, nut, bolts, boiler plates, ship plates, reinforcing bars and pipelines. यहाँ पर ये जहाँ जहाँ उसके applications थे अलग अलग व्यू दिखाए हुए हैं, नट, स्टील वायर, फ्लेंच। दूसरा है हमारा मीडियम कार्बन स्टील। मीडियम कार्बन स्टील में जो कार्बन परसेंटेज होती है वो 0.3% से लेके 0.6% तक कार्बन होती है। हीट ट्रीटमेंट के लिए दे एक्सपेक्ट बेटर रेस्पॉन्स टू हीट ट्रीटमेंट कंपेयर टू लो कार्बन स्टील। देयर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज कैन बी इम्प्रूव्ड बाई हार्डनिंग फॉलोड बाई टेम्परिंग हीट ट्रीटमेंट। बाई एडिंग एलोइंग देयर एबिलिटी टू गेट हार्डन कैन बी इंक्रीज। ये माइक्रो स्ट्रक्चर ऑफ मीडियम कार्बन स्टील, एप्लीकेशन ऑफ मीडियम कार्बन स्टील, गियर्स, एक्सल, लीवर्स, कैम, बोल्ट्स, सॉकेट, स्क्रू ड्राइवर्स, बिट्स, सिलेंडर लाइनर्स, सिलेंडर हेड, सिलेंडर टूल्स, हैंड टूल्स, रिम ऑफ द बाइसाइकिल, ऑटोमोबाइल व्हील्स, रेलवे कार व्हील्स, ट्रैक्स, रेलवे कपलिंग, रिफिल बैरियर, बॉल्स, बॉल मिल एंड मशीन कंपोनेंट। ये डिफरेंट डिफरेंट जगह पर
मीडियम कार्बन स्टील यूज की जाती है, ये उसके एप्लीकेशन हो गए। और यहाँ पर कुछ ज्योमेट्रीज दिखाई हुई है जैसे बॉल्स, एक्सल, रिम, इन सभी में मीडियम कार्बन स्टील यूज। हाई कार्बन स्टील की अगर बात करें हम, तो हाई कार्बन स्टील में कार्बन कंटेंट 6% से 0.6% से लेके 1.5% तक होता है। वैसे दे आर हार्डेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट अमंग प्लेन कार्बन स्टील, बट लीस्ट डक्टाइल है, डक्टिलिटी कम होती है, और प्लेन कार्बन स्टील में सबसे हार्ड होता है हाई कार्बन स्टील। दे हैव पुअर फॉर्मेलिटी, मशीनेबिलिटी, वेल्डेबिलिटी एज कंपेयर टू मीडियम कार्बन स्टील, बट गुड हार्डनेबिलिटी। हार्ड होते हैं, डक्टाइल नहीं होते हैं, फॉर्मेबिलिटी कम होती है, मशीनेबिलिटी, वेल्डेबिलिटी ये नहीं होती। अगर इसमें एलोइंग कर दें, एलोइंग एलिमेंट सच एज टंगस्टन, मोलिब्डेनियम, क्रोमियम, वैनेडियम कैन एडेड इन दीज स्टील टू फॉर्म हार्ड एंड वियर रेजिस्टेंट कार्बाइड कंपाउंड। सच हाई कार्बन स्टील विद कार्बाइड कंपाउंड कैन यूज फॉर मेकिंग टूल्स एंड डाइज। माइक्रोस्ट्रक्चर ऑफ हाई कार्बन स्टील, दीज आर दी एप्लीकेशंस ऑफ हाई कार्बन स्टील। वॉशर्स, वॉल्व स्प्रिंग, रेंचेज, कटिंग टूल्स, डाइज, शेयरिंग डाइव, एनविल, चीजर, हैमर, मिलिंग कटर, टेप्स, रेजर्स, एक्सा ब्लेड, पिस्टन रिंग एंड गेज। इन सभी में हाई कार्बन स्टील यूज की जाती है। ये उसके डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस हो गए। यहाँ पर डायग्राम दिखाए हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पर जहाँ ये हाई कार्बन स्टील यूज हो रहा है, ये दिखाए। इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटीज एलिमेंट्स ऑन प्रॉपर्टी ऑफ प्लेन कार्बन स्टील। There are four common impurity element in plain carbon steel, that is silicon, manganese, sulfur, phosphorus. Plain carbon steel की जो property होती है वो carbon contents पर depend होती है, और उसके साथ साथ जो ये four इम्प्योरिटी एलिमेंट्स है इनके ऊपर डिपेंड होती है। सबसे पहले बात करें सिलिकन की, इसका वेरिएशन होता है 0.05% से 0.3% तक। गुड स्ट्रेंथ ऑफ फेराइट इन स्टील, इंक्रीज स्ट्रेंथ, हार्डनेस, टफनेस विदाउट लॉस ऑफ डक्टिलिटी। इट इज स्ट्रॉन्ग डी ऑक्सीडाइजर एंड रिमूव्स डिजॉल्व गैसेज एंड ऑक्सीडाइज ड्यूरिंग सॉलिडिफिकेशन ऑफ स्टील। सेकेंड वन इज मैगजीन, मैगनीज। मैग्नीज का जो परसेंटेज वेरिएशन होता है 0.3 से 1% मैग्नीज। इट डिक्रीज हार्मफुल इफेक्ट ऑफ सल्फर, दैट इज ब्रिटलनेस एट हाई टेम्परेचर बाय फॉर्मिंग MnS थ्रू देयर बाय रिड्यूस द कंटेंट ऑफ आयरन सल्फर। इंक्रीज हार्डेबिलिटी, इट डिजॉल्व इन फेराइट 7 inches yield strength, increases yield strength, tensile strength, toughness, ductility, manganese, then sulfur,
नॉर्मली सल्फर कंटेंट्स जो होते हैं वो 0.5% होते, 0.05% होते हैं. द इंक्लूजन ऑफ आयरन सल्फर सॉफ्टनर एंड मे मेल्ट एट रोलिंग और फोर्जिंग टेम्परेचर रिड्यूसिंग द टेनेसिटी ऑफ द हॉट मेटल एंड समटाइम कॉजिंग डिस्टिंग्विशन बाय क्रैकिंग इन द रोल्स और अंडर द हैमर. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड हॉट शॉर्टनेस. फास्फोरस, फास्फोरस का जो मैक्सिमम परसेंटेज होता है वो 0.04% होता है. फास्फोरस डिजॉल्व्स इन फेराइट इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ हार्डनेस एंड इम्प्रूव द रेजिस्टेंस टू करोजन. सो इट इज एडेड टू लो कार्बन स्टील अप टू 0.12. लो कार्बन स्टील में ज्यादा ऐड कर सकते हैं 0.12%. इट इज एडेड टू इम्प्रूव मशीनेबिलिटी ऑफ सर्टेन ग्रेड ऑफ फ्री कटिंग स्टील अप टू मैक्सिमम कंटेंट्स ऑफ 0.12%. लिमिटेशंस ऑफ प्लेन कार्बन स्टील. प्लेन कार्बन स्टील की स्ट्रेंथ 700 मेगा पास्कल से बियॉन्ड इंक्रीज नहीं हो सकती विदाउट सब्सटेंशियल लॉस इन डक्टिलिटी एंड इंपैक्ट स्ट्रेंथ. इसकी इंपैक्ट स्ट्रेंथ पुअर होती है एट लो टेम्परेचर. करोजन रेजिस्टेंस पुअर होता है. ऑक्सीडाइजेशन रेजिस्टेंस पुअर होता है. इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो यूनिफॉर्म नहीं होती एट लार्जर थिकनेस ऑफ प्लेन कार्बन स्टील. दे आर नॉट डीप हार्डनेबल. ये इसकी लिमिटेशंस होती है प्लेन कार्बन स्टील.